गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था फर्स्ट जियो का। आई होप सबको समझ आ गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो डाउट क्लास में आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें और एक्सरसाइज जो पार्ट है पेज नंबर 6 वो ओपन कर लें बेटा, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन है, फर्स्ट चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। ये एमसीक्यू फॉर्म में है बेटा, तो इसमें हमने चूज़ करना है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक पर टिक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिड से पास होता है, सभी को पता है। और टोटल 8 स्टेट हैं जिनके अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 22.5 डिग्री पर लोकेट कर रहा है वो पास होता है बेटे। तो इसमें ऑप्शंस देखेंगे पहले, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड त्रिपुरा। अब इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती, तो बेटा टिक कर लें, ओडिशा है, ठीक है। उसमें से ये टच नहीं करती, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा में से ये पास होती है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज़। अब देखो ईस्टर्न मोस्ट पूछा हुआ है, यानी कि जो ईस्ट साइड में है इंडिया के, और क्या पूछा हुआ है, लॉन्गिट्यूड। जो वर्टिकल है लाइंस उसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, 97 डिग्री 25 ईस्टर्न जो है हमारे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। ये आपको वैसे ही लर्न हो गए होंगे। अगर ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पूछता तो तब क्या इसका आंसर रहता बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न। अब इन्होंने क्वेश्चन में ईस्टर्न साइड पूछ लिया है तो ईस्टर्न का क्या आ जाएगा, ए पे टिक कर लें सभी। थर्ड पार्ट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनकी जो फ्रंटियर्स क्या होती है, बाउंड्री लाइन, कॉमन है किस कंट्री के साथ, किस कंट्री के साथ ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश मिलते हैं। आप उत्तराखंड से ही आप आइडिया ले सकते हो कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो नेबरिंग कंट्री उत्तराखंड के साथ है। तो क्या ऑप्शन रहेगा इसका बेटा, नेपाल। बाकी स्टेट तो हैं ही हैं, अगर हम स्टार्टिंग से देख लें तो उत्तराखंड और किसी के साथ टच नहीं होता। या अगर देखो उत्तर प्रदेश भी बताया हुआ है, अब उत्तर प्रदेश चाइना के साथ तो टच नहीं ना होता। ये बिल्कुल इजी है, अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहाँ पर जो मैप दिया होता है वहाँ से बाउंड्री देख सकते हैं कि किस स्टेट की बाउंड्री किस कंट्री के साथ टच होती है। अब देखो सारे ये जो है सिक्किम है, ठीक है, ये भी चाइना के साथ टच होता है, लेकिन बिहार नहीं होता। वेस्ट बंगाल बिल्कुल नीचे है, वेस्ट बंगाल ऊपर असम तक जाता है, साइड में लगता है, लेकिन चाइना के साथ टच नहीं होता, नेपाल के साथ टच होता है। तो दो स्टेट हमारे सामने ऐसी आ गई जिसमें हमने ऑप्शन चूज कर लिया, नेपाल। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखें, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अगर आप कवरत्ती जाना चाहते हो, ठीक है, समर वेकेशन स्पेंड करना चाहते हो कवरत्ती के अंदर, तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी में जाओगे। कवरत्ती क्या है बेटा, इट इज़ अ कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो आंसर क्या रहेगा, लक्षद्वीप। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर, उसकी कैपिटल क्या है बेटा, कवरत्ती। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री, हेल्स क्या होता है बेटा, नेटिव, यानी कि वहाँ के रहने वाले। माई फ्रेंड यानी कि जो मेरा दोस्त है, एक नेटिव है किसी कंट्री का, विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया।
यानी कि वो जिस देश से आ रहा है उसका जो देश है वो हमारे साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करता, यानी कि वो नेबरिंग कंट्री नहीं है। देखो भूटान हमारा नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश, नेपाल, ये तीनों क्या है? नेबरिंग कंट्री। अब रह गया क्या? तो क्या रह गया? ऑप्शन बी, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान एक यूएसएसआर का एक कंट्री है, तजाकिस्तान, तो ये हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। नेक्स्ट जो है आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है बेटा, ये भी आप खुद ही फाइंड आउट कर लोगे। मैं डिस्कस करने के बाद इन क्वेश्चंस को पीडीएफ को जो है वो सेंड कर दूंगी। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन समझ लें जो वेरी शॉर्ट हैं, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। दो ही इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मैंने चैप्टर को रीड करवाते हुए आपको समझा दिए थे। फर्स्ट है, देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। अब हम अरेबियन सी की साइड जाएं जो वेस्ट साइड में है, वहाँ कौन से ग्रुप आइलैंड्स हैं? लक्षद्वीप, ठीक है। वहाँ पर किसका ग्रुप है आइलैंड्स का? लक्षद्वीप। नेम द कंट्रीज़ विच आर लार्जर देन इंडिया, ये भी आप फाइंड कर सकते हो। कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से एरिया वाइज बड़े हैं बेटा? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि उस ट्रिक को आप याद कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया से बड़े कौन से हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या ट्रिक थी इसकी? RCU CBA। RCU रशिया, ठीक है बेटा, कनाडा, यू का USA, CBA सी से चाइना, बी से ब्राज़ील और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो ये सिक्स कंट्री जो हैं वो हमारे देश से बड़े हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट? साउथ भी है और ईस्ट साइड भी है। विच आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडियाज, भारत के कौन से ऐसे आइलैंड ग्रुप हैं जो दोनों साइड में है, साउथ में भी है और ईस्ट में भी है? तो अंडेमान निकोबार आइलैंड है, वो कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट साइड। और साउथ साइड क्या है बेटे? अरेबियन सी के अंदर कौन सा आइलैंड है? लक्षद्वीप। तो ये आंसर रहेगा इसका। विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स? आइलैंड भी है, कंट्री भी है और साउथ के अंदर है बेटे। तीनों चीज़ें क्वेश्चन में देखेंगे हम। आइलैंड कंट्रीज आर आवर सदर्न नेबर्स, कंट्रीज़ कौन से हैं बेटा? देखो साउथ में मालदीव है और श्रीलंका। श्रीलंका के भी देखो सराउंडिंग में क्या है? वाटर। तो आइलैंड कौन सा पार्ट होता है? आइलैंड इज अ लैंड पार्ट विच कवर्ड फोर साइड्स वाटर, तो चारों तरफ पानी हो तो वो आइलैंड होता है। और यहाँ कंट्री पूछ ली है, ठीक है। तो कंट्री कौन कौन से हैं? एक मालदीव्स है, लक्षद्वीप के बिल्कुल नीचे है, और दूसरी साइड क्या है? श्रीलंका। ये दोनों आइलैंड कंट्री हैं जो हमारे नेबर हैं बेटे। थर्ड क्वेश्चन लॉन्ग है, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो सभी। द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन दी वेस्ट, बट द वॉच शो द सेम टाइम, कि जो घड़ियाँ हैं वो सेम टाइम शो करती हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की बात करें चाहे गुजरात की, लेकिन उनमें जो टाइम गैप है वो 2 आवर्स का है, यानी 2 घंटे का समय का फ़र्क है, लेकिन घड़ियाँ जो हैं सेम टाइम बताती हैं। ये मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक 30 लैटीट्यूड जो हैं लैटीट्यूड पास होते हैं, और ईच लैटीट्यूड्स कैरी 4 मिनट्स, तो 30 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 120 मिनट्स। तो 120 को अगर हावर्स में कन्वर्ट करें तो 2 आवर्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से जो अर्थ का पार्ट है वो रिवॉल्व करता है, और धीरे धीरे जब जो है गुजरात वाला पार्ट सन के सामने आता है तो वो 2 घंटे का टाइम लेता है। फोर्थ क्वेश्चन है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब इंडियन ओशन के अंदर जो इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है बेटा, सॉरी
सेंट्रल लोकेशन जो है उसका क्या बेनिफिट है। हमने एशियन कंट्रीज़ में देखा था कि वेस्ट और ईस्ट दोनों डायरेक्शन के बीच में जो साउथवार्ड एक्सपेंशन है हमारे इंडिया की, और उसके नीचे क्या है इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के हेड पर हम लोकेट करते हैं, जिससे इंडिया जो है ऑक्यूपाई लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है, अदर देन कंट्रीज़, किसी भी ऐसी कंट्री की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है नहीं है जितनी इंडिया की है, इसलिए हमें इसका मोस्टली जो है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये आंसर्स जो है मैं पीडीएफ कर दूंगी बेटा, उसमें से आप समझ लेना, और कॉपी भी प्रिपेयर करनी है आपने, नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर करना, मैप भी साथ में अटैच करोगे। अब जो मैप स्किल है नीचे देखें आप, ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स भी मैं सेंड कर दूंगी, फिर इसको आप लोग मैप के अंदर फिल करना। मैं अभी आपको जो है मैप के अंदर भी फिल करना बताती हूँ, लेकिन इसको आपने अपनी मैप जो है फिज़िकल मैप इंडिया का लेकर उसमें फिल करने अच्छे से नीट एंड क्लीन, और फिर इनको पेस्ट कर देना नोटबुक पे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइंग इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, आइलैंड ग्रुप्स ये दोनों दिखाने हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या है। अरेबियन सी में क्या है लक्षद्वीप, और बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सेकंड है, क्या शो करना है हमने मैप के अंदर करने हैं, ये जो आपके पास 9 पॉइंट्स हैं वो हम मैप में शो करेंगे। इसका आंसर जो है ऊपर राइट कर लेना आप लोग बुक के ऊपर ही, फिर इनको मैप में दिखा देंगे। द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो चाइना को छोड़कर जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सब कॉन्टिनेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनकी जो बाउंड्री है वो ज़्यादातर इंडिया के साथ है, और चाइना के बीच में जो हिमालय पर्वत आ जाता है इसी वजह से जो माउंटेन है चाइना को अलग कर देते हैं। तो सब कॉन्टिनेंट में जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, नीचे श्रीलंका, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स हैं, इनको हमने मैप के अंदर ही शो करना है। द स्टेट थ्रो विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, तो 8 स्टेट हैं, सबसे पहली स्टेट है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट जो है मिज़ोरम। इन 8 स्टेट के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। जो आप मैप परचेज करोगे ब्लैंक मैप, उसके अंदर ऑलरेडी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो लाइन ड्रॉ की हुई है, सिर्फ आपने स्टेट के नेम राइट करने हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्रीज, सबसे ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट, यानी कि जो मैंने सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके बताई थी, उसका जो डिग्रीज़ में है वो क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, क्या है बेटा 37 डिग्री 6 मिनट। और नेक्स्ट जो है क्या क्वेश्चन है, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड मेन लैंड का, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट, हमने लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर लिख देना है 8 डिग्री 4 मिनट। मैं मैप भी आपका फिल करके आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, उसको देखकर एज इट इज़ आपने भरना है और कॉपी पे पेस्ट करना है। जैसी एक्सरसाइज एंड होगी लास्ट वाले पेज पर आपने मैप को पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्री, इसकी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे हम। ईस्टर्न में क्या आ जाएगा 97 वाला, और वेस्टर्न में क्या आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न, तो लॉन्गिट्यूड पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट है द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज, यानी कि वो प्लेस दिखाना है जिसको 3 जो है समुंदर लगते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल है, या अरेबियन सी है, या इंडियन ओशन है, ऐसा एक एंड पॉइंट जिसमें 3 सीज आते हैं, तो वो बेटा है कन्याकुमारी, तमिलनाडु का जो एंड पॉइंट है वहाँ पर है कन्याकुमारी।
नेक्स्ट है द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। मैंने पाक आपको बताया था चैप्टर के अंदर कि श्रीलंका और इंडिया को कौन सेपरेट करता है, पाक स्ट्रेट, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो जो आपकी 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, दो तो आइलैंड ग्रुप ही हो गए, ठीक है, अंडेमान निकोबार लक्षद्वीप, तीसरी होगी पुदुचेरी, एक गुजरात के पास है दमन दीव, पास जो है दादरा नगर हवेली है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, और दो बाद में बनी थी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये सारी जो है 9 यूनियन टेरिटरी हम मैप के अंदर शो करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सो यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक नीट एंड क्लीन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन डाउट क्लास। डाउट क्लास विल बी ऑर्गेनाइज्ड मे बी वन डे इन अ वीक, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा बेटा। ओके, गुड बाय।